आज मैं भुजिया जो आलू का जो है ना भाजी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो प्याज ले लिया मैंने, आलू कट कर लिया था फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में, और ये अदरक लहसुन और अपना हरी मिर्च इसको चॉप्ड कर लिया। सिंपल स्टाइल में बनेगा, ज़्यादा उसमें कुछ अलग नहीं लेना है। मैंने इसको डाल दिया मस्टर्ड ऑयल में, प्याज लहसुन हरी मिर्च तीनों एक साथ। थोड़ा सा इसको हल्का मैं फ्राई कर लूँगा, इसको जैसे हल्का से ब्राउन होने लग रहा है। अब मैं इसमें आलू डालूँगा, तो मैंने आलू डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको धीरे धीरे हल्का हल्का मिला लूँगा। थोड़ा सा ये आलू का साइज बड़ा है, तो आप इस स्टाइल में बना सकते हो। तो इस स्टाइल में बनाने से ये, इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाल रहा हूँ। हल्का हल्दी हल्दा सा हल्का हल्का सारा मसाला मैं इसके अंदर हमें डाला, हल्का हल्दी हल्का मसाला, हल्का हरी मिर्च, हल्का लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा थोड़ा और सारा सब्जी मसाला। और ये हमारा ऑलमोस्ट अभी फाइनल स्टेज पे है, ऑलमोस्ट ये बन गया है। थोड़ा सा मैं इसको ऑल फ्राई होने दूंगा, नीचे थोड़ा सा हो रहा है, तो जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगा। तो ये स्टाइल, ये रेसिपी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। सिंपल ये हमारा देसी स्टाइल हो गया, और ये बैचलर स्टाइल भी हो गया, तो आप इसको खा सकते हो। ओके।